नमस्कार, मेरा नाम है भावना शर्मा और आप सबका स्वागत है एस्ट्रो तक में। तो 5 जुलाई 2020 एक ग्रहण लेकर के आ रहा है, चंद्र ग्रहण रहेगा, पिनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स रहेगा और आपको बता दूं ये इस बार की गुरु पूर्णिमा पर पड़ रहा है। अब इससे जुड़ी हुई क्या कुछ बातें हैं या क्या कुछ आगे इससे सावधानियाँ हो सकती हैं, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगी और एग्जैक्टली बोलूँ तो मिथ्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आपने 5 जुलाई वाले ग्रहण से जुड़ी हुई कई सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन एक्चुअली में ग्रहण का असर हमारे जीवन के ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर कितना और कैसे पड़ता है, हम वही चीज़ आज जानने की कोशिश करेंगे। और जो एक्स्ट्रा भ्रांतियाँ या मिथ जो लोगों ने फैलाए हुए हैं उसे कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि ग्रहण जो है 5 जुलाई को पड़ने वाला, सबसे पहले इस चीज़ को समझे कि उपछाया चंद्रग्रहण होता क्या है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी का कुछ हिस्सा उसकी छाया का जब चंद्रमा को ढकता है तो पूरी तरह से चंद्रमा ढक नहीं पाता और उसका कुछ हिस्सा जो है वो ढक जाता है। ऐसी स्थिति में वो पिनम्ब्रल यानी कि उपछाया चंद्रग्रहण बन जाता है और इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरी ही तरफ जब भी हम ग्रहण के बारे में सुनते हैं, जब भी हम ये सुनते हैं कि ग्रहण पड़ने वाला है, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाता है। हम सोचते हैं हाँ, हमारे साथ तो कुछ बुरा ज़रूर होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल भी होती है और इसीलिए लोग आपको कई सारी बातें बता देते हैं कि हाँ, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। कुछ सावधानियाँ हैं जो ग्रहण के दौरान बरतनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ मान लेना चाहिए। दूसरी बात, इस बार का ये जो लूनर इक्लिप्स रहेगा 5 जुलाई को, वो भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए इसका सूतक यहाँ मान्य नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़, तो सूतक काल यहाँ मान्य नहीं होगा, तो मंदिर के कपाट बंद नहीं करने हैं आपको, प्रेग्नेंट लेडीज़ को कोई सावधानी नहीं बरतनी है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें कोई ऐसी प्रतिबंध नहीं है कि आपको इस टाइम पर खाना नहीं है, तो इस तरह की कोई भी सावधानी इस समय पर नहीं बरती जाएगी। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ की मैं बात करूं तो ये होता है कि चाहे सूतक लगे चाहे नहीं लगे, उनके दिमाग में हमेशा एक मिथ आ जाता है कि हाँ, हमें तो सावधानी बरतनी ही बरतनी है। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो जिस समय पर ग्रहण पड़ रहा है उस समय पर आपने ये सोच लिया कि मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है या मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो आप जो आपका कनेक्शन उस समय पर अपने बेबी के साथ होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है, और जो फूड जा रहा है, जो फूड कंज्यूम कर रहा है, जो वाटर कंज्यूम कर रहा है, साथ ही साथ में आपके इमोशंस को भी बेबी जो होता है वो कंज्यूम करता है उसी समय पर। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे, और वैसे भी वो एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का जो इमोशनल वाला पार्ट है, दैट मीन्स क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा हमारे मन का कारक है और वैसे भी चंद्रमा जब बढ़ता है और घटता है तो वो सीधा सीधा हमारे इमोशंस पे इसीलिए इफ़ेक्ट करता है, जस्ट बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो 72% वाटर कैरी करती है। वाटर के अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि पृथ्वी पर भी 72% वाटर ही है, और आप देखेंगे कि जब चंद्रमा बढ़ता है और घटता है तो ज्वारभाटा भी आता है, तो इसीलिए जो वाटर एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं पे इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हमारी बॉडी भी इफेक्ट होती है और इसीलिए जो आपका बेबी है उस पर जो असर है, इमोशनल फ्रंट की मैं बात कर रही हूँ, उस पर भी असर पड़ता है। तो इसीलिए इस समय पर कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें मंत्रोच्चारण करना चाहिए, उन्हें सीधे बैठ करके मंत्रोच्चारण करना चाहिए, उन्हें साधना इस समय पर ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ सूतक के नियम लागू नहीं है, तो ऐसी कोई भी पाबंदी आपके ऊपर नहीं है, आप बेशक से सो सकती हैं, आप बेशक से जो मर्जी आए कर सकती हैं, ऐसा कोई पाबंदी भी नहीं है कि आप मंत्रोच्चारण करेंगी। हाँ, मंत्रोच्चारण इज़ वेरी मच इफेक्टिव ग्रहण के दौरान पे, क्योंकि इस समय पर एक बहुत अच्छा समय मैं कहूँगी होता है, जिस समय पर आप कनेक्शन जोड़ सकते हैं उस सुप्रीम पावर के साथ। ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, और ग्रहण का मतलब होता है कि आप इस समय पर एक कनेक्शन बहुत अच्छा बन सकता है, दैट मीन्स एक पोर्टल की तरह से वो खुल जाता है और इस समय पर आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप सोचेंगे पॉजिटिव, वो आपके साथ डेफिनेटली हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रोच्चारण इज़ द वेरी मच इफेक्टिव वे जिससे कि आप अपनी प्रेयर्स को उस सुप्रीम पावर तक भेज सकते हैं। तो ख़ास तौर पर कहने का मतलब यही है कि इस ग्रहण के दौरान कोई ऐसी सावधानी, कोई ऐसी मिथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है,
एक पुराने समय में चीज़ें कही जाती थी उन कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखकर, खास तौर पे हम बात करें कि प्रेग्नेंट लेडीज़ की मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, तो उस समय पर कहा जाता था कि आपको सीधे बैठना है, कुछ सिलना काटना नहीं है, इस तरह की चीज़ें, बिकॉज उस टाइम पे जो रिसोर्सेज थी वो कम थी और सिर्फ ये समझाने के लिए, बताने के लिए आपको कुछ ना कुछ बातों को सुपरस्टिशंस की तरह बताया जाता था। तो इसीलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है, आजकल का जो टाइम है, आज इतना ज़्यादा साइंस भी ग्रो कर रही है, रिसर्च भी ग्रो कर रही है, तो आज की डेट में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ मिथ है और क्या चीज़ एक्चुअल फैक्ट्स पर बेस्ड है, क्या चीज़ लॉजिकल है। तो इसलिए मानना आपके अपने हाथ में है, आप मिथ्स को कट ऑफ ज़रूर कीजिए ग्रहण से। ग्रहण एक बहुत अच्छा समय होता है, हाँ मैं ये नहीं कहूँगी। दूसरी चीज़ कि ग्रहण का जब इफेक्ट की हम बात करें अगर, तो जैसे मैंने आपसे कहा भी कि ग्रहण जो होता है, खासतौर पे चंद्र ग्रहण जो होता है, वो आपको इमोशनल फ्रंट पे इफेक्ट ज़रूर करता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि चंद्रमा का असर आपके ऊपर नहीं पड़ता। चंद्र ग्रहण की मैं बात करूँ या चंद्रमा की बात करूँ, वैसे भी जब पूर्णिमा तिथि आती है, जब चंद्रमा बढ़ता है और घटता है, जैसे मैंने कहा वाटर एलिमेंट जो होता है पृथ्वी पर, वो इफेक्ट होता है, समुद्र के अंदर ज्वारभाटा आता है। तो इसीलिए जो मूड स्विंग्स होते हैं वो हमारे पूर्णिमा के साइड पे, पूर्णिमा के आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसीलिए एकादशी का फास्ट भी रखा जाता है। तो हर चीज़ लॉजिकली कनेक्टेड है, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि इस समय पर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना बेहद खास रहेगा, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए भी और जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी। नमः शिवाय का जाप आप कीजिए, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, आप ओम मंत्र का चांटिंग कीजिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। तो इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।